क्या आपका भी हस्त मैथुन करने की वजह से छोटा हो गया है, लिंग पतला हो गया है, जो लंबाई और मोटाई आपके लिंग की होनी चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों एक रिसर्च में पता चलता है कि 92% फीमेल्स यानी 92% महिलाएँ अपने पुरुष साथी के लिंग के साइज को लेकर डिप्रेशन में रहती हैं, परेशान रहती हैं। और सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि जो आज के वक्त में नौजवान ज़्यादा मुस्तजनी यानी हाथ का गलत इस्तेमाल, जिसे हस्त मिथुन बोलते हैं, वो कर रहे हैं, और उसकी वजह से हाथ की रगड़ नसों पर लगती है, जिसके कारण हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, ढीलापन आ जाता है, सख्ती और कड़कपन उसके अंदर नहीं रहता, और इसी के कारण क्या होता है कि हमारा लिंग सिकुड़कर छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप इस समस्या को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केयर चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली चीज़ है बिच्छू। ये आपको दो अदद लेने हैं, ये आपको मिल जाएंगी पंसार के यहाँ से। दूसरा आपको लेना है लौंग, ये आपको 10 ग्राम लेनी है। फिर है ज़ाफ़रान, ये आपको 3 ग्राम लेना है। फिर है रेग माही, ये आपको 5 ग्राम लेनी है। उसके बाद है जलवित्री, ये आपको 10 ग्राम लेनी है। फिर है वैसलीन, ये आपको 50 ग्राम लेनी है। अब आपको करना क्या है कि इन सभी चीज़ों को आप मार्केट से पंसार के यहाँ से ले आएँ। जैसे बिच्छू, लौंग, ज़ाफ़रान, रेगमाही और जलवित्री है, इन सभी को आप सुखा लें, है ना। जब ये सूख जाएगी और बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, फिर आप किसी हरल की मदद से या इमाम दस्ता या ग्राइंडर की मदद से आप इनको बिल्कुल बारीक कर लें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बारीक हो जाएगा, फिर आप इसको वेसलीन में मिला लें, तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस जेल को, इस पेस्ट को अपने लिंग पर अप्लाई करना है, लगाना है। तरीका क्या होता है लगाने का, रात को सोते टाइम आप इसकी थोड़ा सा लें इसमें से और उसको लिंग पर लगाएं और उंगली से इसकी मालिश करें। आगे मत लगाना जहाँ पे पेशाब करते हैं और नीचे ना लगाना जहाँ हमारे अंडकोश होते हैं। तो लिंग पर आप इसको लगाएं और उंगली से इसकी मालिश करें। जब आप मालिश करें तो ये ध्यान रखें कि ज़्यादा देर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट आप इसको लगाएं। उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। सुबह जो है आप इसको धो सकते हैं, चाहे ठंडा पानी हो, गर्म हो, अपने हिसाब से देख लें। आपको ये नहीं है कि गर्म ही होना चाहिए, तो आप इसको धो लें। इस तरह से जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नसों के अंदर सिकुड़नपन है, नसों के अंदर छोटापन पतलापन आ गया है, नसों के अंदर खून का दौर सही से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण लंबाई मोटाई में इशू है, जो हमारा ये साइज का मैटर है वो आपका पूरी तरह से ठीक होगा। लंबाई मोटाई को बढ़ाएगा, कड़कपन को लाएगा, सख्ती को लाएगा, ढीलापन है उसको सही करेगा, और जो हस्त मैथुन करने की वजह से कमजोरियाँ हैं उनको पूरी तरह से ठीक करने का काम करेगा। इस दवाई का इस्तेमाल करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में को बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।